आज हम बनाने जा रहे हैं टायर टेबल। और टायर से टेबल बनाने के लिए मैंने कारपेंटर की हेल्प ली थी। एक्चुअली हम एक ही टायर से बहुत सारी चीज़ें बनाने वाले हैं, और इस तरह से एक प्लाई बोर्ड लगाकर नीचे उन्होंने इसमें लैग्स लगा दिए थे। तो फ्रेंड्स, ये टेबल का टॉप था एक थिक से प्लाई बोर्ड का, और टायर को अच्छे से वॉश कर लिया था पहले ही, लेकिन अभी ब्रशिंग से उसमें जो भी डस्ट है वो निकालने के बाद ये एशियन पेंट्स का वाइट बेस इमल्शन मैंने पूरे टायर पर और उसके लैग्स पर किया। बिल्कुल इसी तरह फ्रेंड्स, टेबल टॉप पर भी मैंने वाइट बेस इमल्शन कलर किया, और उसके बाद मेरे किचन के सारे बर्तन निकल आए, क्योंकि इतना बड़ा कंपास नहीं था मेरे पास, तो मैंने इस तरह से सर्कल्स ड्रॉ किए। और यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने बैक से स्टार्ट किया है, मीन्स सेंटर से ना करके मैंने कॉर्नर्स से सर्कल बनाने स्टार्ट किए, क्योंकि कॉर्नर्स से मैंने पहले मेज़रमेंट ले लिया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने मंडाला ड्रॉ की है पेंसिल की हेल्प से, और अब मैं इसमें एक्रिलिक कलर की हेल्प से कलर करूँगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ फ्री हैंड ड्राइंग की है, बहुत इजी पैटर्न है, लेकिन आप चाहें तो आप कोई भी पैटर्न इंटरनेट से निकाल कर उसको कार्बन कर सकते हैं और फिर आप कलरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इन सारे कलर्स के नेम्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। लीव्स बनाने के लिए फ्रेंड्स, ऐसा रफ ब्रश यूज़ किया है मैंने, क्योंकि साइड्स में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इसका, और बिल्कुल ड्राई करके इसके स्ट्रोक्स देने हैं तो बहुत अच्छी शेडिंग आती है। देखिए कितनी प्यारी शेडिंग लीव्स में आ रखी है। फ्रेंड्स, एक्चुअली तो हम इस टायर टेबल को न सिर्फ टेबल की तरह से बल्कि चार तरह से यूज़ करने वाले हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी चैनल के नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुँचें। तो आफ्टर ड्राइंग फ्रेंड्स, हम इस पर वॉर्निश का एक कोट अप्लाई करेंगे, एंड दिस इज इट। फ्रेंड्स, ऑल दीज प्लांटर्स आर DIYs, तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और साथ ही ये जो पेंटिंग टंगी हुई है लिपन आर्ट, ये भी DIY है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक तो दे दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। फ्रेंड्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें और मुझे बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसको लिविंग रूम में एज अ टेबल यूज़ किया है, साइड टेबल, आप कॉर्नर डेकोर भी कह सकते हैं। और जब हम इसे एज ए टेबल यूज़ करते हैं तो इसके नीचे एक अच्छा सा स्टोरेज होता है, और मैं इसे अपने आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाईज के लिए यूज़ करती हूँ एज ए स्टोरेज। एंड फ्रेंड्स, जो मंडाला पेंटिंग मैंने बनाई थी उस पर मेरा इतना दिल आ गया कि मैंने उसको एज अ पेंटिंग, उसमें पीछे एक हुक लगवाया, और मैं अब उसको एज अ पेंटिंग भी यूज़ कर सकती हूँ जब चाहूँ। और जब मैं उसको एज अ पेंटिंग यूज़ करूँगी, तब जो नीचे का टायर वाला पोर्शन है उसको मैं एज ए प्लांटर अपने बालकनी में यूज़ करूँगी, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। एंड देखिए फ्रेंड्स, जो भी मेरे छोटे छोटे प्लांटर्स मैंने बनाए थे मैगी कप से एंड कोल्ड ड्रिंक बॉटल से, वो सब इसमें आ गए हैं।
सो फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ये आइडिया। तो जब चाहे हम इसे पेंटिंग बना सकते हैं, स्टोरेज बना सकते हैं, प्लांटर बना सकते हैं, एज अ टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।